क्या करता है, उसके पीछे की और भी राजनीति दोस्तों यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप प्रिविलेज की जगह पर हम लोग खड़े थे, लेकिन अब जो हालात है वो हालात ये है कि जिन्होंने वादा किया था अच्छे दिन लाने का, जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां रोज देने का, हर साल देने का, आज वो मुकर गए हैं और अब जो नौकरियां मिली हुई हैं उन्हें ही छीनने की साजिश हो रही। ये ठीक बात है कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं, वो 90 के बाद से कोई भी गवर्नमेंट आई हो उसमें कोई बुनियादी अंतर नहीं। आधे से ज्यादा नीतियां 90% नीतियां कांग्रेस गवर्नमेंट की लाई हुई है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि उन सारी 25 साल की नीतियों के खिलाफ एक उम्मीद जिसने जगाया था कि 2014 में अच्छे दिन लाएंगे, उससे हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि शिक्षा को WTO में बेचने वाली नीतियों को ही वो आगे बढ़ाएंगे, वो ऑटोनॉमी वाली नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, वो एडहॉक को कॉन्ट्रैक्ट पर ले जा करके परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद कर देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हमें तो ये भरोसा था कि अब वो ड्रास्टिक चेंज आएगा और अब शिक्षा को लेकर के जो 25 साल तक WTO में समझौता करके शिक्षा को बेचने की जो नीति थी वो सब रोक लगेगी और जितने ढोक है परमानेंट होंगे, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन बचेगा। और तीसरी बात कि जो हाशिए का समाज है जिसको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो मुख्यधारा में आकर के पढ़ सके, हम लोग जिन इलाकों से निकल करके 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एक हिम्मत पाए, वो अपने इलाके में एकमात्र 2-3 नामों के साथ जोड़े जाते हैं। और आज 8 साल तो इस एक कॉलेज में पढ़ाते हुए हो गया, और पहले जब हम 2010 में वापस गांव लौटते थे तो हम सब एक उम्मीद की किरण बन के अपने गांव में देखे जाते थे कि अगर अपने बच्चों को अगर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओगे तो शायद वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की काबिलियत भी अर्जित करे और वो प्रोफेसर बन सकता है। और आज 8 साल बाद वो उम्मीद भी धूमिल हो गई कि कम कुछ भी करा लेना, लेकिन BA, MA और PhD मत करा देना, नहीं तो ये मास्टर बनने की योग्यता का गुमान पालेंगे, इन्हें नौकरी कहीं नहीं मिलने वाली, ये दिक्कत हो गई। और कल्पना करिए कि ये जो नीतियां हैं ये किसी सरकार की नहीं, एक मनुवादी सामंती महिला विरोधी दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी मानसिकता की नीतियां। और अगर ये मानसिकता की नीतियां नहीं होती तो 2017 का सर्वे तो ये बताता है कि जिस ST आबादी को 7.5% विश्वविद्यालयों में होना चाहिए वो 2.12% है, जिस SC को 15% होना चाहिए वो 6.8% है, जिस OBC को होना चाहिए 55%, लेकिन आरक्षण है 27%, वो है 12%। अगर ये मुल्क 70 साल में बेहतर मुल्क बनने की दिशा में होता तो ये प्रतिशत ऐसा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखिए कि रिश्तेदार के रिश्तेदार भरे पड़े, एक ही परिवार में 8 नौकरियां, और एक परिवार जिसमें पहला PhD है वो भी PhD जमा करके हमारे कितने साथी वापस चले गए, उनको नौकरी नहीं मिली। ऐसे माहौल में टूटा एक उम्मीद की किरण है, और हम जो 4,500 एडहॉक हैं उनको भी ये समझना होगा कि वो एडहॉक भी एक प्रिविलेज की स्टेज में है, और वो अगर पीछे हटते हैं अपने लिए नहीं आते हैं। आज एडहॉक को कम से कम ये सवाल अपने से पूछना चाहिए कि अब आपके पास खोने के लिए क्या है, ये एडहॉक की नौकरी जो आज अगर ऐसे नहीं जाएगी तो रोस्टर बदल करके आपसे छीन लिया जाएगा, और फिर भी आप घर में बैठ के उम्मीद रखते हैं कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे। इसलिए ये आखिरी उम्मीद की किरण है, अगर इस मुल्क को बेहतर बनाना है, जिसको बनाने की दिशा में एक मुकम्मल दस्तावेज 1950 में लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का वो दस्तावेज मुकम्मल दस्तावेज है, जिसमें ये बताया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टीज होती क्या, एक ऐसे देश में जिसमें आर्थिक विषमता, जिसमें सामाजिक विषमता इतनी ज्यादा है कि उसके 90% लोगों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, और 90 के बाद पहली बार दलितों पिछड़ों आदिवासियों अल्पसंख्यकों पसमांदा और महिलाओं की पहली पीढ़ी तो विश्वविद्यालयों की चौखट पर आई, वो आज MBA, PhD, NET, JRF और इन सब डिग्रियों के साथ
जब नौकरी पाने के मायने पर खड़ा है तो उसके साथ इस तरह का हास्यास्पद मजाक किया जा रहा है। ये है इस मुल्क की हकीकत। अगर इस मुल्क को बेहतर मुल्क बनना है तो इन विश्वविद्यालयों के चरित्र को बचाना होगा, उस चरित्र को बचाना होगा कि देश की सामाजिक और आर्थिक विषमता से जो पीढ़ियों से कभी पढ़ ना पाए उनकी कम से कम अगली पीढ़ी पढ़ने लायक बचे। वरना निकल जाइए नेशनल हाईवे नंबर 1 पर और देखिए सोनीपत पानीपत पे कितने लाइन से मुल्क को तीसरी दुनिया के देश को पहली दुनिया का देश बनाने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी और वह चमचमाती इमारतें हैं जिनमें हम आपके हमारी पृष्ठभूमि के कम से कम लोग उन चौखटों पर कदम रखने की हिम्मत तो नहीं कर सकते, न उनके पास आर्थिक हैसियत है न सामाजिक है। इसलिए अगर दिल्ली विश्वविद्यालय बचेगा, यहाँ के एडहॉक अगर बचेंगे, इसमें अगर सामाजिक न्याय बचेगा तो वाकई पूरे मुल्क को एक संदेश आएगा। जब देश के 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 45 में तो ट्रेड यूनियन ही नहीं बचा, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? अगर ये ट्रेड यूनियन ऐसी कमजोर, अगर लड़ाई को कमजोर किया तो उन सारे उम्मीदों पर पानी फिरेगा। अगर ये 4,500 एडहॉक ऐसे ही बाहर हुए और 20 जुलाई को प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल कल तक जो ये सोचते थे कि चलो ये लंबे समय से एडहॉक पढ़ा रहा है इसको नहीं छेड़ना है, वो आज इतराते हुए कहते हैं कि ये जो एडमिशन फॉर्म है इस पर स्वार करके जो टीचर इंचार्ज की जगह तुम साइन कर रहे हो ये मत करो क्योंकि तुमको पता है क्या कि तुम अभी एडहॉक हो या नहीं हो। उस प्रिंसिपल की आंखों में चमक आ गई है कि अब हम भी कुछ लोगों की किस्मत को मिटाएंगे और बनाएंगे। ये मौका किसने दिया? ये मौका इस सरकार ने दिया, ये मौका इस निगम में वाइस चांसलर ने दिया। और जो यहाँ पर इसलिए बैठा हुआ है, पिछले वाइस चांसलर थे बहुत ही सक्रिय थे, निहायत निष्क्रिय है। और हम लोगों ने कभी किसी कार्यक्रम में इनकी तस्वीर तक नहीं देखी कि योगेश त्यागी दिखते कैसे हैं। और ये अपने उस गुफा में बैठ करके नीतियां बना रहे। अरे दो कदम आगे बढ़ के ये नीतियां बनाते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ है और हमारे यहाँ जितनी पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं जिसमें दौलतराम कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में परमानेंट अपॉइंटमेंट भी हो चुका है, सभी एडवर्टाइज पोस्ट को परमानेंट करेंगे। उसके बाद 5 मार्च वाले रोस्टर का पालन करेंगे, तब हम देखते कि हाँ तुम्हारे मत दम है। लेकिन तुम तो सबसे ज्यादा निकम्मे निकले। सरकार के लोग भी परेशान है कि कैसा वाइस चांसलर बना दिया, विपक्षी परेशान है ही। एक तीसरा वाइस चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसके ऊपर इतने आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और हिंदी विभाग में उसने 42 लोगों की नियुक्तियां कर दी। ये ठीक बात है, हमें आज सुबह पहले भी हम जानते थे कि वो 13 पॉइंट रोस्टर पर ही कर रहा है, ये भी एक घोटाला है। लेकिन फिर भी कम से कम हिम्मत हो कि हम ठोस निर्णय ले सके। एक MHRD मिनिस्टर के पास, एक सरकार के पास लोकतंत्र की ताकत होती है। अगर उसको देखता है कि इस मुल्क के 85% लोगों को के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो वो संसद में अधिनियम ले आए कि ऐसे रोस्टर जो सामाजिक न्याय विरोधी रोस्टर हैं इसको सुप्रीम कोर्ट वापस ले और सबको पढ़ने का और सबको टीचर बनने का मौका इस मुल्क में मिलेगा। ऐसी उम्मीद करते थे और ऐसी सरकार से यही उम्मीद। आप संसद की ताकत का उपयोग करिए। अगर आपने उपयोग नहीं किया तो आप ये कल्पना करिए कि कल परसों 2 दिन पहले पंजाब विश्वविद्यालय उस कड़ी में दर्जन भर से ज्यादा लिस्ट हो गई है। तमाम ऐसे विश्वविद्यालय जिनके नाम तक हमने नहीं सुना था वो सब 5 मार्च के रोस्टर के बाद धुआंधार विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। और पंजाब विश्वविद्यालय के 57 पोस्ट में 5 पोस्ट PWD को, 1 पोस्ट OBC को, SC 0, ST 0, ये कौन सा रोस्टर है? इस पर स्कूल में कोई सवाल नहीं उठाया। और ये जो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसने 10 दिन पहले अपने आप विज्ञप्ति निकाली कि वो 13 पॉइंट रोस्टर पर उसमें रिजर्वेशन खत्म। दूसरी तरफ 55,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे और 2 घंटे बाद वही झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रिवाइज करके कोई एजेंडा निकालता है कि नहीं नहीं सैलरी ज्यादा हो गई, हम 35,000 रुपए ही कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे। इससे ज्यादा मजाक उच्च शिक्षा का क्या हो सकता? किसने हिम्मत दी है इन लोगों को जो वाइस चांसलर खुद को खुदा बने बैठे? और वो शेर याद आता है कि उन लोगों की हकीकत तुम्हें मालूम नहीं शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। ये जो लोग खुदा कहने वाले हैं इन लोगों को ये बात समझनी होगी। इसलिए एक बतौर एडहॉक शिक्षक, एक बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय का टूटा का हिस्सा, तो पता नहीं 20 जुलाई के बाद होगा या नहीं। लेकिन आज की डेट में हम मानते हैं
कि हम टूटा के हिस्से हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि हम टूटा के हिस्से हैं, क्योंकि टूटा हमारे लिए और हम टूटा के लिए लड़ रहे हैं और आज यहाँ भी इतनी संख्या में बैठे हुए और हम इस दावे के साथ यहाँ पर खड़े हों कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाक शिक्षक के हितों को नहीं बचा पाए, अगर हम सामाजिक न्याय को कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं बचा पाए, तो इस मुल्क में और कोई विश्वविद्यालय नहीं बचेगा। और ये आखिरी मौका है, अगर आज आप परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं करा पाए तो कॉन्ट्रैक्ट की दिशा में ये जाएगा जहाँ कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, निजी क्षेत्र में कोई रिजर्वेशन नहीं लागू। तो ये मुल्क जिसने हजारों साल का इतिहास रखा है कि महिलाएं योग्य नहीं होती, क्षमतावान नहीं होती, दलित क्षमतावान नहीं होते, आदिवासियों में कोई काबिलियत नहीं होती, पिछड़े पिछड़े ही हैं, पहली बार तो संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मुल्क बेहतर मुल्क बनाने का मौका दिया है, उसको भी ये मुल्क गंवाते जा रहा है। अगर आज नहीं बोले तो फिर बोलने का मौका नहीं बचेगा। इसलिए साथियों, अपने अंदर फिर से जुनून लाइए और ये टूटा के जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जो एक्टिविस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके पास दशकों का संघर्ष का इतिहास है, अनुभव है, मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि दलीय मतभेद होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन आज अगर इस कैरेक्टर को, दिल्ली विश्वविद्यालय को, विधायक को और परमानेंट अपॉइंटमेंट को, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को बचाने में आप सब लोग मुट्ठी बांध करके एकजुट हो जाइए, तो फिर ये वाइस चांसलर की क्या औकात है, प्रकाश जावड़ेकर तक को समझना पड़ेगा। और 20 जुलाई तो बाद की बात है, उसके पहले इसके प्रावधान बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग आपस में एकजुट नहीं हुए तो ये बांटने वाला समय है, फिर ये लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक बार फिर से हम दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ को सैल्यूट करते हैं और उन ढाक शिक्षकों को भी इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो समझते हैं कि अगर ये मौका चला गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा, उन सबको एकजुट होने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट, प्रकाश जावड़ेकर और योगेश त्यागी को इस बात का एहसास कराने की जरूरत है कि आपकी इन नीतियों के खिलाफ हम सड़क पर उतर सकते। और मैं तो फिर भी कहता हूँ सर, आप अमर अनशन पे बिठाइए, हम बैठने को तैयार, और कोई विकल्प नहीं। हम सबको जोखिम पर लगा करके अपने इस वजूद को अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाना चाहते हैं। आपने हमें सुना, आप सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल।